देश में बीते दिन कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से इस जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। साथ ही कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भी अब तेजी के साथ देश में अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस नए सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में काफी अधिक है। वहीं दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ओडिवन सिस्टम को हटाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ सरकार टीकाकरण और टेस्टिंग के आंकड़ों पर भी जोर दे रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज से संबंधित अपनी गाइडलाइंस में कुछ बदलाव भी किए हैं, जबकि दुनिया के बाकी देशों में कोरोना को लेकर कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। आखिर दुनिया के बाकी देश कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं? क्या वाकई में कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी? क्या दुनिया फिर से पहले जैसा जीवन जीने लगेगी? क्या आने वाले दिनों में मास्क भी नहीं लगाना पड़ेगा? आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। दिल्ली में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू और ओडिवन सिस्टम, प्रस्ताव को सीएम केजरीवाल ने दी मंजूरी। दोस्तों, दिल्ली में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ओडिवन सिस्टम को भी बंद किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट दफ्तरों में भी 50% स्टाफ के साथ फिर से खोले जा सकेंगे। कोरोना के मामलों के घटने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। फिलहाल इन प्रस्तावों को आगे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर कई पाबंदियां लगाई गई थी। इनमें प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरह से बंद करके WFH लागू किया गया था। साथ ही दुकानों के लिए ओडिवन सिस्टम का भी काफी विरोध किया जा रहा था। फिलहाल दिल्ली में कोविड केसों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन देश के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में फिर पकड़ी कोरोना ने रफ्तार। दोस्तों, देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। साथ ही कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भी अब तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,47,254 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 703 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। फिलहाल डेली पॉजिटिविटी रेट 17.94% है और साप्ताहिक संक्रमण दर 16.56% है। जबकि कोरोना को लेकर ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि वैक्सीनेशन भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। वैक्सीनेशन के चलते ही तीसरी लहर में मौतों की संख्या काफ़ी घटी है। वैक्सीनेशन ज़्यादा होने की वजह से ही हम गंभीर संक्रमण और बहुत ज़्यादा मौतों को नहीं देख रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के मामले भले ही कम होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार अभी भी बहुत तेज़ है और ख़तरनाक भी। कैसे, चलिए आपको बताती हूँ। अंटार्कटिका तक पहुँचा कोरोना वायरस। दोस्तों, एक तरफ लगभग दुनिया के हर देश को धड़ाम कर चुका कोरोना वायरस अब अपने घुटने टेक रहा है, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार अभी भी वही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस के पेंडेमिक की शुरुआत के करीब 2 साल बाद पहली बार अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में एक अर्जेंटीना रिसर्च बेस इसकी चपेट में आ गया है। इस रिसर्च बेस पर 45 साइंटिस्ट और सैन्यकर्मी में से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ अंटार्कटिक गवर्नमेंट की एक अधिकारी पेट्रिशिया आर्तुजार ने गुरुवार को बताया कि इनमें से 9 कर्मचारियों का अब तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। हालांकि इन सभी में किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं है। इन्हें रिसर्च बेस से हेलीकॉप्टर के जरिए ब्यूनस आरियस वापस लाया गया है। जबकि फ्रांस में भी कोरोना को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। फ्रांस में फरवरी से कोविड नियमों में दी जाएगी ढील। दोस्तों, कोरोना से धड़ाम हो चुके देशों में फ्रांस भी शामिल है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर फ्रांस आ रहा है, जिसने अब कोविड नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। यहाँ के PM जीन कॉस्टेक्स ने गुरुवार को कहा था कि देश में फरवरी में कोरोना के मामले कम होंगे। इस दौरान नागरिकों को वर्क फ्रॉम होम के नियमों में छूट दी जाएगी। यहाँ अगले महीने नाइट क्लब्स खोलने की भी अनुमति दी जाएगी। साथ ही स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की जगहों को 2 फरवरी से खोला जाएगा। वहीं बात अगर सिनेमा हॉल और बार की करें तो वो 16 फरवरी से शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी कोरोना को लेकर फैसला किया है। क्या है वो फैसला, चलिए जानते हैं। ब्रिटेन सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम।
27 जनवरी से मास्क भी नहीं है कंपलसरी। दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस पेंडेमिक अब तीसरे साल में पहुंच गई है। एक्सपर्ट बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि इसके नए नए वेरिएंट्स लंबे समय तक इस महामारी का कहर बरपाते रहेंगे। ऐसे में इसके साथ ही जीने का लाइफस्टाइल हमें अपनाना होगा, लेकिन ब्रिटेन ने अब इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, कोरोना के संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया में चौथे नंबर पर आने वाले ब्रिटेन ने गुरुवार को अपने यहाँ वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया है, यानी अब सभी को ऑफिस आकर ही काम करना होगा। यहाँ गुरुवार को कोरोना के 1,07,364 नए मामले सामने आए थे, जिनमें से 330 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी ब्रिटेन ने ये फैसला लिया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 27 जनवरी से आउटडोर में मास्क पहनना भी कंपल्सरी नहीं रहेगा। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि देश की 72% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि 55% को बूस्टर डोज दी जा चुकी है। ऐसे में ब्रिटेन की 95% आबादी को संक्रमण अथवा वैक्सीनेशन के प्रभाव के कारण एंटीबॉडी की सुरक्षा मिल चुकी है। 12 साल से बड़े बच्चों को जरूर पहनाए मास्क, 18 साल से कम उम्र में स्टेरॉइड से इलाज नहीं। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगातार मास्क लगाने के कारण बॉडी पर साइड इफेक्ट पर चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस को जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में खास तौर पर बच्चों के मास्क प्रोटोकॉल को स्पष्ट किया है। साथ ही उनके कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने पर किए जाने वाले इलाज का प्रोटोकॉल भी बता दिया है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 12 या फिर उससे ज़्यादा की उम्र के बच्चों को हाल ही में वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि 18 साल से कम उम्र वाले किसी भी बच्चे या फिर किशोर का इलाज करने के दौरान उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसके कारण गंभीर बीमार होने वालों की संख्या बेहद कम है। लिहाजा मंत्रालय के मुताबिक 18 से कम उम्र के बच्चों की कोरोना संक्रमण के कारण कितनी भी गंभीर हालत क्यों न हो, उन्हें किसी भी तरह का एंटीवायरल स्टेरॉइड या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं दिया जाना चाहिए। खासतौर पर बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने की सलाह दी गई है।